मना कर रहे हैं। बीजेपी को अधिकार दिया हुआ है, कानून में प्रावधान है सदन में चर्चा कराने का। बीजेपी ईमानदारी से विधानसभा अध्यक्ष से मिले और नियम कायदे कानून में जांच कराए। शहीद परिवारों के लिए डिस्कस होना भी चाहिए, उससे शहीद परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने क्या दिया, राज्य सरकार ने क्या दिया, ये डिस्कस होना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जैसे बड़े आंदोलनकारी, जिनका मैं भी सम्मान करता हूँ, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो सदन में कुछ कर ही नहीं रही। आप मुझे बताओ, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने शहीद परिवारों का मुद्दा उठाया, कांग्रेस पार्टी शहीद परिवारों के साथ खड़ी है। खुद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कह दिया कि हमारा पैकेज सबसे अच्छा है, तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमारा पैकेज सबसे अच्छा है, कहां है बीजेपी? बताएं उन्होंने आज तक शहीद परिवारों के लिए क्या किया, इस आंदोलन का कारण क्या है और बीजेपी के आंदोलन में क्या हुआ। आधे कार्यकर्ता सतीश पुनिया जिंदाबाद लगा रहे थे, आधे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद लगा रहे थे, वहां टकराव हो गया और आज बीजेपी ने कार्रवाई की है, कुछ कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया। तो बीजेपी ना तो शहीद परिवारों की मदद करना चाहती है, ना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ खड़े होकर कोई आंदोलन करना चाहती है। बीजेपी खुद ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही उसको करना क्या है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन तो उसी दिन बिगड़ गया जिस दिन राजस्थान का बजट आया। पहले बजट ने ठोक दिया, अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो गई, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, ओपीएस लागू हो गई, कर्मचारी व्यापारी मजदूर किसान विद्यार्थी राजस्थान में कांग्रेस के साथ खड़ा है और बीजेपी की हालत बहुत खराब है। तो जो अडानी का घोटाला हुआ, उस घोटाले को दबाने के लिए बीजेपी सब जगह पूरे देश में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को अपोजिशन पार्टियों के घरों पर भेज रही है। राजस्थान में भी वो मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के, किसी के भी कभी भी कार्रवाई चालू कर सकते हैं। तो उनको तो करना है, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां एक्शन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आती है, कुछ हो या नहीं हो, और वो चुनाव के दौरान ही आती है, पहले नहीं आती। तो राजस्थान का भी हर नेता तैयार है कांग्रेस का, तो कोई डर तोड़ना रहे, राजनीति में डरने के लिए जगह नहीं है। जो लड़ने और मरने की ताकत रखता है उसी को राजनीति में रहने का हक है। यहाँ सवाल कांग्रेस बीजेपी पार्टी का इसलिए नहीं है कि मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही, अब तो बिना मुद्दों के राजनीति हो रही है। और जिस तरह से बदले की भावना से काम हो रहा है, इससे लोगों का राजनीतिक पार्टियों के प्रति जो सम्मान था वो कम होगा, क्योंकि लोग आपस में व्यक्तिगत रंजी से निकाल रहे हैं, लोग अपना घर बचाने के लिए दूसरे के घर पर हमला कर रहे हैं। आज लोगों को जरूरत है, क्रूड ऑयल $81 प्रति बैरल पर आ गया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। आप मुझे बताओ, तब 70 रुपए लीटर से नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था, और आज जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $81 प्रति बैरल क्रूड ऑयल हो गया, मतलब $50 प्रति बैरल कम हो गया, तो आज तो ये 50 रुपए में बेच सकते हैं पेट्रोल डीजल। तो सच तो सच है। आपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, तो भाई साहब जान लोगे क्या, मारोगे लोगों को, भूख मर रही है लोग, ना भूख से मतलब है, ना गरीबी से, ना बेरोजगारी से, बीजेपी को तो मनमानी से मतलब है। कई बार जब रिवोल्ट होता है तो फिर पार्टी महत्व तो नहीं रखती, महत्व तो लगता है जनता खड़ी हो जाती है। और वक्त आ गया, बीजेपी जिस तरह से मनमानी पर आ गई, वो ये सोच रही है हिंदू मुसलमान में विवाद करा के, दंगे फसाद करा के देश में, और इश्यू बना के, झूठी कहानियां बना के वापस वोट लेके हम सत्ता में आ जाएंगे। तो बीजेपी के दोस्तों, सत्ता में आना आसान है, लोगों का दिल जीतना मुश्किल है, लोग भूख से परेशान। रामलाल जी ने अभी आरोप